वीडियो फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ सबा कासिम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपनी चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते दोबारा करो। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में सबा काजिम हाजिर है। चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो है पपाया के बारे में। पपाया ऐसा फल है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए इसमें बड़े अच्छे विटामिन्स और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंटी कैंसर है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए बेस्ट है अगर वो डेली इसे अपने खाने में थोड़ा सा पार्ट इसका शामिल रखें। और ये डायबिटीज़ के वालों के लिए बेस्ट है जिन्हें शुगर है, जिन्हें हार्ट के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, और जो डाइट करना चाहते हैं, स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट फ्रूट है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ायदे रखे हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके खाने को भी आपको बताएंगे कि क्या फ़वाद हैं और इसे किस तरह खाना चाहिए, और इसे हम फेस मास्क और फेस पैक भी बनाना सिखाएंगे। और ये देखें ये इस तरह से होता है, इसमें मिठास कम होता है, लो कैलोरीज फ्रूट है, इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। आप खाते रहें चेहरे पे इसकी जो पील है इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग यंग ब्यूटीफुल वाइट इफ़ेक्ट देता है। तो इसकी पील जो है उसका आप स्क्रब बनाएं और इसके पल्प से आप मास्क बनाएं, और ये दोनों मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। और इससे आप कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये आपके चेहरे को एक ग्लो देगा, एक खूबसूरती देगा, वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा। इसका मास्क बहुत बेहतरीन है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आइए हम आपको अभी बताते हैं। तो पहले हमने ये करना है कि हमने इसका एक पार्ट लेना है, जितनी आपको नीड है आप उतना अलग कर लें। इतना हिस्सा हमने लेके इसका पल्प को हम अलग करेंगे, उससे हम इसका मास्क बनाएंगे, और ये जो इसका पील है इससे हम एक स्क्रब बनाएंगे। पल्प को अलग करेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने मैच कर लेना है। इसमें तो सीड्स नहीं है वैसे, इसमें छोटे छोटे काली मिर्च के दानों की तरह ब्लैकिश से सीड होते हैं, उनके अलग से फ़ायदे हैं। हम उनके ऊपर भी किसी दिन वीडियो में बनाऊंगी, उस पर भी किसी दिन हम लोग बात करेंगे। इस वक्त हमने इसका पल्प लिया है, इसको अच्छी तरह मैच करना है। मैश करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा लिटिल बिट हनी यूज़ करेंगे। तकरीबन हमें एक चाय की चम्मच के करीब हनी रिक्वायर्ड होगा जो हम इसमें ऐड कर देंगे। हनी रॉ यूज़ कीजिएगा, रॉ हनी अगर आपको मिल जाता है तो वो बेस्ट है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स वेल बिफोर यूज़, इसको बहुत अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। इसके
उसके अलावा हम इसमें एक चीज़ डालेंगे, ये मेरे पास हिमानी का विटामिन ई सीरम है, ये बहुत अच्छा है स्किन को हाइड्रेशन के लिए है, ये हाइड्रेशन सीरम है हिमानी वालों की कंपनी का, इसके हम चंद ड्रॉप्स लेंगे। तकरीबन 7 से 8 हमने विटामिन ई सीरम के हमने इसमें हाइड्रेशन सीरम के हमने चंद ड्रॉप्स ले लिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। विटामिन ई हमारी स्किन को यंग और ब्यूटीफुल रखती है, देर तक जवान रखती है हमारी स्किन को, और पपाया में भी यही फवायद है। पपाया के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, इसके बेशुमार फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। अब आप इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 स्पून के करीब हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। इसको बेहतरीन सा अच्छे से आप मिक्स करें, बहुत अच्छी तरह ये मिक्स होना चाहिए। जब ये बिल्कुल अच्छे से आपने इसको कर लिया, अब आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, आप इसको इस तरह से अपनी स्किन पे लगा के तकरीबन 1 घंटे तक आप इसे छोड़ देंगे। ये बेहतरीन फेस मास्क है, आँखों पे आप क्यूकम्बर के कतले आप लगा लें और इस तरह से इसको लगा के आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब ये हमारा हो गया फेस पैक या फेस मास्क। अब हम आपको इसके छिलके से एक बेहतरीन सा स्क्रब बनाना सिखाएंगे। पपाया पील को ब्लेंडर जग में थोड़ा सा अरक गुलाब और लेमन जूस डालकर 1-1 टीस्पून हमने वो डाला है, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हमने पपाया पील को 1/2 कप लेमन जूस और 1/2 कप अब हमने 4 टेबल स्पून लेमन जूस और पपाया पील को और उसमें हमने 4 टेबल स्पून अरके गुलाब शामिल करके रोज़ वाटर, इसको हमने ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये डिस्प्रीन की टैबलेट्स हैं जिनको हमने छोटी सी कूटने वाली मिक्सी में बारीक सा हमने ये देखें कूट लिया है, ये डिस्प्रीन है, ये भी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा फेस स्क्रब तैयार है। ड्रिस्प्रीन भी आपके चेहरे की सफाई के लिए, वाइटनिंग, पिंकिश ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा है। इसको अब हमने इस तरह से लेकर ऐसे स्क्रब सर्कुलेशन मोशन में हमने इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है। इसे भी आप तकरीबन 1/2 घंटा तक यूज़ करें, ये आपकी स्किन को इंतहाई खूबसूरत बनाएगा। बहुत अच्छा स्क्रब बन गया है। कोई चीज़ भी कुदरत ने बेमानी नहीं बनाई, हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पाक ने हर चीज़ में इंसानों की
अपनी नियमतों में इंसानों के लिए सेहत रखी हुई है। ये जो हम मेडिसन्स ले लेके अब थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, कोई छोटी मोटी तकलीफ हुई तो हम मेडिसिन खाने लग जाते हैं, जो कि हमारे लीवर को, हमारे स्टमक को, हमारी स्किन को, किडनीज़ को बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से, बुरे असरात से डैमेज करती हैं मेडिसन्स। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर और साथ बगैर ना इस्तेमाल करें, साथ में दूध, फल, सब्जियों का भी इस्तेमाल रखें अगर कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई डिज़ीज़ है, वरना अदरवाइज अगर आप सेहतमंद हैं तो छोटी मोटी तकलीफ़ के लिए आप घरेलू टोटके इस्तेमाल किया करें। अल्लाह पाक ने फलों सब्जियों में, अपनी बनाई हुई नेमतों में अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इलाज फ़ायदे छुपा रखे हैं। तो पपाया खाएं भी, इसका मैं आपको पपाया पल्प का जूस भी बनाना सिखाऊंगी। अब ये देखें, इस स्क्रब को आपने लगाना है, तकरीबन आधे घंटे तक आप पाँव पे हाथों पैरों पे मसाज करें, आप चेहरे का मसाज करें, नेक का करें, ये बेहतरीन ग्लोइंग आपको इफ़ेक्ट देगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेंगे इसके फ़ायदे। कम से कम आधा या एक घंटा लगा के आपने अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है और कुछ देर छोड़ देने के बाद सादे पानी से आपने धो लेना है। अब हम इसके पल्प से आपको एक बहुत ही मज़ेदार, न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी जूस बनाना सिखाएंगे, जो आपको पीने से आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपको ये ब्यूटीफुल स्लिम स्मार्ट भी बनाएगा। ये अब मैंने आपको डेमो दिया है, इसके बाद हम पपाया का जूस भी आपको बनाना सिखाएंगे। चलो फ्रेंड्स, आज तो ये आज से हमने एक पपाया की मदद से आपको कई चीज़ें सिखाई हैं। पल्प में हमने मैश करके इसमें हमने एलोवेरा जेल, विटामिन ई सीरम और हनी मिला के आपको एक बेहतरीन सा फेस मास्क बनाना सिखाया है। स्क्रबिंग के लिए हमने आपको पपाया, लेमन जूस, रोज़ वाटर, इसको मैश अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसमें हमने डिस्प्रीन, कूटी हुई 4 से 6 अदद डाल के बेहतरीन सा स्क्रब बनाया है। इसे भी हाफ एन आवर से या ज़्यादा लगा सकते हैं, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आप लगाएं इसको भी, और फिर देखिएगा इनका असर। और आप बस सादे पानी से फेस वॉश कर दीजिएगा। ये हमने बेहतरीन सी स्मूदी भी बनाई है पल्प से, आप चाहें तो जूस भी बना सकते हैं इसको, इसके साथ आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप मैंगो ऐड कर सकते हैं। तो स्मूदी बनाएं या जूस बनाएं, ये आप पियेंगे तो आप बहुत हेल्दी, बहुत सेहतमंद, फिट, हैंडसम रहेंगे। बहुत सारी बीमारियों से ये चीज़ पपाया बचाता है, पपाया के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिस तरह के मैंने बताया कि ये फैट रिड्यूस भी करता है और आपको स्लिम स्मार्ट, अगर आप डाइट पे हैं तो आप ये यूज़ कर पिएं, आपकी स्किन यंग ग्लो होगी। और ये बहुत लो कैलोरीज फ्रूट है, गोश्त गलाने में भी काम आता है, अगर छिलके समेत थोड़ा सा पल्प के साथ आप गोश्त के साथ डाल दो कूट के, तो गोश्त गलाने के भी काम आता है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, शुगर वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, एंटी कैंसर भी है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको स्लिम स्मार्ट, यंग, जवान रखता है, हेल्दी फूड है। पपाया अपनी सैलेड में, अपने एक पोर्शन आप अपने लंच में ज़रूर इसका रखें और इसका जूस भी पिएं, इसकी स्मूदी बनाएं, इसे वैसे खाएं। तो आज हमारा टॉपिक था पपाया के बारे में, जो अल्लाह की बहुत ही फ़ायदा देने वाली नेमतों में से एक नेमत है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, आइंदा नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।